घबरा हुआ देख ये महंगाई की मार को झेलते हुए ये सरकार घबरा गई है कांग्रेस पार्टी से और इसके नेताओं को तरह तरह की प्रताड़ना देने का काम। ये ईडी का मुकदमा जो 2015 में समाप्त कर दिया गया था, क्लोजर लगाया गया था, उसको चुनाव आते देख, उनकी पॉपुलरिटी देख, अपनी पॉपुलरिटी को घटता हुआ देख, ये महंगाई की मार को झेलते हुए ये सरकार घबरा गई है कांग्रेस पार्टी से और इसके नेताओं को तरह तरह की प्रताड़ना देने का काम, कभी सीबीआई का, कभी ईडी का, तरह तरह का केस लाद करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और मीडिया के माध्यम से गलत संदेश पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। जिस तरह से देश में नफरत के बीज बोई जा रही है, उस नफरत के बीज में कांग्रेस को घसीटने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस नेशनल हेराल्ड की स्थापना हमारे गांधी जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में, आदरणीय नेहरू जी के नेतृत्व में किया गया था और देश की आज़ादी में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में नेशनल हेराल्ड की जो भूमिका थी वह पूरे विश्व के लिए एक इतिहास बना हुआ है। उस नेशनल हेराल्ड पर इतने बड़े आरोप लगा करके, इतने बड़े आरोप हमारे नेताओं पर लगा करके जिस तरह से साजिश के तहत उसे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक सिनेमा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, वो यहाँ की जनता जानती है। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अब कांग्रेस के लोग इसको सड़क से लेकर संसद तक ले जाएंगे और मोदी सरकार को मुंह को खाना पड़ेगा। मोदी सरकार जब हर मोर्चे पर फेल हो गया, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, मोदी सरकार जब हर मोर्चे पर फेल हो गया, चाहे वो महंगाई रूपी मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी रूपी मुद्दा हो, चाहे अन्य पड़ोसी देशों से अपना संबंध को अच्छा करने का इन्होंने नाटक किया था, चाहे GST, चाहे नोटबंदी, सब तरह से जब ये फेल हो गया, तब कांग्रेस पार्टी से इन्हें घबराहट महसूस होने लगा। आदरणीय राहुल गांधी जी से यह डरने लगे, डर कर यह नया नया प्रोपगेंडा करके परसेप्शन फैलाना चाहते हैं देश भर के लोगों में कि देखिए राहुल गांधी जी चोर हैं, मैडम सोनिया गांधी जी चोर हैं, इनको CBI और ED जो इनके एक फालतू की तरह काम करता है, इनके आदेश पर काम करता है, उसको आदेश करके, उसको बरगला करके हमारे स्वच्छ छवि के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के छवि को जो बिगाड़ने का काम कर रहा है मोदी सरकार, इसको हम लोग के साथ साथ पूरे देश की जनता जान रही है। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग को सड़क से संसद तक धरना और प्रदर्शन करने का जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, और जरूरत पड़ा तो पूरे देश को हम लोग, जितने भी देश में जेल है सबको हम लोग जेल भरो आंदोलन के तहत जेल को भर देंगे और मोदी सरकार को मजबूर कर देंगे और जनता को बताने का काम करेंगे कि हमारे कांग्रेस पार्टी देश के लिए मरा था और मरेगा और जिएगा देश के लिए, देश को चलाएगा कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इन्होंने ही देश को आज़ाद कराया था। जो देश को नहीं आज़ाद कराया उसे कोई दर्द नहीं, आज निजीकरण कर रहा है, बेच रहा है उन्हें कोने भाव में देश को। इसलिए हम लोग आज पूरे देश भर में धरना और प्रदर्शन के माध्यम से, सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से मोदी सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि अब बारूद को चिंगारी मत फेंकिए, नहीं तो यह जब धधकेगा तो आपको यहाँ से नर्क लोक से, मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक आपको कहीं जगह नहीं मिलेगा। मोदी सरकार, होश में रहिए।